देखते कौन फर्स्ट होता है, कौन पहले गाड़ी तक पहुंचता है। 3 2 1 अच्छा तुम हो गए। अरे वो गिरा यार। सो गाइस, कल मैं वापस आई और मेरा प्लान था निधि जी से मिलने का, निधि कटियार से, और आप तो सब जानते हो उनको, शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। सो अभी मैं जा रही हूँ उनसे मिलने। पहले उनका प्लान था मेरे घर आने का, बट लेट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन यार, कम ऑन, यू नीड इंट्रोडक्शन। प्राश व्लॉग्स, राज माय हस्बैंड, अब ये भी यूट्यूबर है, इसको भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। हाँ, भाग के सांस फूल गई मेरी। नहीं, ऐसे सब्सक्राइब नहीं करो, अगर वीडियो देखो। हाँ, वीडियो अच्छा देखो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो एकदम, और अगर नहीं अच्छा लगे तो मत करो, कोई बात और नहीं। मैं हैंड ब्रेक पे गाड़ी चला रहा हूँ। बहुत अच्छे बेटा। सर अभी मैं जा रही हूँ निधि दी से मिलने का, बस दिन हाँ लगा रही हूँ, प्लान था निधि दी से मिलने का। वो लास्ट वीक ही गुड़गांव आने वाली थी, तब तो मैं जमशेदपुर में थी, बट देन निधि दी ने बोला कि वो आ जाएंगी, सो मैंने सोचा उनसे मिल लेते हैं। और मेरा फ्लाइट वैसे संडे का था, बट बस निधि दी से मिलने के लिए मैंने फ्राइडे का करा लिया। ऑब्वियसली राज तो जिद कर ही रहा था, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, बट मेरा कुछ काम था इसलिए, मतलब यही इनसे मिलना था। तो मैंने सोचा चलो एक दिन बाद जा रही हूँ, मैंने फ्री कैंसिलेशन वाली टिकट करा रखी थी, कुछ 500-600 रुपये कटेंगे, तो फिर मैं दोबारा कराई, वो मेरे को थोड़ी महंगी पड़ गई, बट कोई बात नहीं यार, शी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन, सो मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। सो लेट्स गो, जाते हैं उनसे मिलते हैं एंड देन उनसे बात करेंगे। लेट्स गो, प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी दी एंड एवरीवन नोस अस। ये ठंड है यार गुड़गांव। चलो अंदर चलते हैं। हां चलो चलो चलो। सो गाइस, मिशन कंप्लीटेड, मिल गई मैं अपनी फेवरेट यूट्यूबर से, निधि दी से। यू गाइस ऑलवेज सी मी टॉकिंग अबाउट हर, बट यू नीड टू सी हर इन रियल, शी इज सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। निधि, यू डोंट नीड एनीथिंग टू लुक ब्यूटीफुल, आप इतने सुंदर हो ना, और दिल से ज्यादा सुंदर हो, दिल से यार। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी प्रियंका से मिलने के लिए, जब हम मामा से मिले थे ना, तो हम उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाए थे ना, इतना भीड़ था ना उस दिन। दिल से जरूर मिलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। और आप जो आपने जब लास्ट वीक बोला था ना कि आप नहीं, मतलब आप लास्ट वीक आ रहे थे, दुखी हो गई थी यार, अब मैं भी खाने के लिए मना कर दिया ना, तो फिर मैं यार मिल नहीं पाऊंगी, जाना मेरा वेस्ट हो जाएगा। जिस एजेंसी से बात चल रही थी ना, उसने अचानक से ही बोला कि दीदी इस वीक नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीक कर रहे हैं। भगवान चाहता था कि हम लिटरली मिले यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग खाने वाले हैं थोड़ा सा, निधि दी तो ऑलरेडी खा चुकी है, इनका पेट भर चुका है। गाइस, ग्लॉस फर्स्ट हैंड ट्राई बेसिकली कर रहा हूं। बेटा सुन, निधि आपसे मिलने के लिए भी बहुत अच्छा लगा, मैं बताऊंगी तुमको, मैं आऊंगी 100%। मैं वैसे कहीं ट्रैवल नहीं करती, दिल्ली ऑर्डर करो बिल्कुल भी। शाबाश यार, कभी भी ऐसे जब ढलान पे जब गाड़ी आती है ना पायल, तो मुझे बड़ा डर लगता है भाई, लेकिन तुमने बिल्कुल चढ़ा दिया यार। 13 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते चलाते, एक्सपीरियंस काम कर रहा है, दिख नहीं रहा। 13 इयर्स हो चुके हैं मुझे गाड़ी चलाते हुए। मैं भी आज मेरे को अपना स्टूडियो सेटअप करना है, प्लीज मेरी हेल्प करोगे जानू, प्लीज। तुम ना एक बात बोलूं, तुम नहीं थे यहाँ पे, तो मैंने इतनी मेहनत करके तुम्हारा स्टूडियो सेटअप किया था, तुमने पैकेज वैकेज फैला दिया है, गलत बात है। सो शी इज सच अ स्वीटहार्ट यार, जेम जेम सो पर्सन। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलके ऐसा नहीं लगता कि मतलब अपने दिल खोल के उनसे बात कर सकते हैं, शी इज वन ऑफ देम। इनको भी इन अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, पता नहीं दो लड़की के साथ तो बैठे मैं क्या कर रहा हूं। बहुत बढ़िया है, शी इज वेरी नाइस, वेरी गुड। तुम्हें गाड़ी तेज चलाने के लिए बोला है क्या? ये शादी के बैंड की तरह डिज्जो 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 कर रहे हो। मुझे इंडियाज गॉट टैलेंट में जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा चैनल टैलेंट मैं यूट्यूब पे दिखाती हूँ, और लोग मुझे 150 रुपए आते हैं। नहीं, इस नए टैलेंट को जो तुमने अभी अभी तराशा है, ये मेरे बचपन का टैलेंट है, मैं तुमसे छुपा के रखा था, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरा ये चैनल देख के मुझे कॉपी कर लो, लाइक तुमने मेरा यूट्यूब चैनल देख के मुझे कॉपी किया है, अब मैं सब कुछ नहीं चाहती ना कि तुम कॉपी कर लो मुझे। सो गाइज, मैंने आपको भी थोड़े स्निपेट्स दिखाए, लाइक 15 दिन पहले के, जब मैं निधि दी से मिली थी, और उसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाई तो दिखा नहीं पाई, बट दैट इज हाउ ऑल द थिंग्स वेंट। अभी मैं आपको अपना थोड़ा गार्डन दिखाती हूँ, लाइक आप देख सकते हो मेरे गार्डन में कितने सुंदर फूल हुए हैं, ये विंटर की फ्लावर्स है, लाइक इसका नाम है, आई थिंक इसको डालिया बोलते हैं, एंड ये है गुलदावरी, पता नहीं ये सूख क्यों रहा है, इसको थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है इसको पानी देना है, ये वो रहा है।
और बहुत सारे फ्लावर्स है यहाँ पे, मेरी गोल्ड वगैरह भी है, बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, बहुत सुंदर गार्डन है। बाय द वे मैं यहाँ पे क्यों आई, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी, तो आई जस्ट थॉट कि मैं गार्डन में बैठूँ और आप लोगों के साथ बातें करूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू सिट एंड टॉक। एंड राज को भी सब बोलते थे कि उनको सबको उसका गार्डन सेगमेंट बहुत पसंद होता था, झूला सेगमेंट, तो अभी हम झूला सेगमेंट करते हैं। और मैं आपसे, मेरी सारी जो मेरी मम्माज है मेरे चैनल पे जो देखती है मेरे वीडियोस, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, सो लेट्स स्टार्ट। आश्वी से रिलेटेड मुझे बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं हमेशा कि दीदी आश्वी के लिए ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया, आश्वी के स्किन केयर में क्या यूज़ करूँ। मैंने लास्ट मंथ भी शेयर किया था, सिंस विंटर टाइम है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे साल भर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट विंटर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी जो विंटर्स क्या पूरे साल आपके लिए बहुत काम आने वाला है, एंड इट्स लाइक हैशटैग है प्रूफ तभी है मामा अप्रूव्ड। तो बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज और नरिश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, प्रोन टू ड्राइनेस होती है, एलर्जीज होती है। आपने देखा होगा आपके बच्चे की स्किन में हमेशा दाने आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, दैट्स बिकॉज आपके बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। तो माइल्ड होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की स्किन में जो भी यूज़ करो वो टॉक्सिन फ्री हो, माइल्ड हो, पैराबिन फ्री हो, मेड सेफ हो। सो आई हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू शेयर विद यू गाइस, व्हिच इज़ द मामा अर्थ मिल्की सॉफ्ट लोशन फॉर बेबीज। मार्केट में ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कहते हैं कि ये बेबी स्किन के लिए कम्प्लीटली सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर बच्चे इसको यूज़ करें, बट क्या आप वो रिस्क लोगे? एज अ मदर आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, सो हेंस आई गो फॉर मामा अर्थ प्रोडक्ट्स फॉर माई बेबी राइट नाउ। ये लोशन से दे आर मेड सेफ सर्टिफाइड, विच इज अ प्रूफ दैट दे आर paraben free, toxin free, they are safe for your babies, PETA certified, and this product really keeps my baby's skin happy, soft, हेल्दी। बेसिकली ये डीपली आपकी बेबी की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, 24 आवर्स की मॉइस्चराइजेशन देता है, एंड इट्स मेड सेफ सर्टिफाइड। बस इसका पंप साइज लेना है एंड अपनी बेबी की स्किन में अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ये बहुत ही लाइट वेट है बट हाईली मॉइस्चराइजिंग है। इसमें ओट्स है विच हैज इमेंस अमाउंट ऑफ नरिशिंग प्रॉपर्टीज टू कीप योर बेबी स्किन सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड। इसमें मिल्क प्रोटीन्स भी है जो बेबी की स्किन के एलर्जीज को सूदन आउट करने में और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में, इन्फेक्शन एंड रैशेज को हील करने में भी हेल्प करता है। नाउ यू कैन बाई दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मामा अर्थ ऐप और देयर वेबसाइट एंड यूज माई कोड घोष2022 एंड गेट अ फ्लैट 20% ऑफ on your order. Whenever you purchase anything from Mama Earth, they link your order on the website to a tree that they plant, and by 2025 they're aiming to plant 1 million trees, which is an amazing initiative. Mama Earth app iOS and Android dono hi platforms mein available hai, so you can check that out. Mostly sabhi mamas first cry se shop karte hain, to Mama Earth ke sare products, baby products aapko first cry mein bhi mil jayenge. फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जाकर जरूर चेकआउट करें, एंड सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ, मुझे एक शूट करना है, बड़ी हिम्मत से मैंने अपनी हिम्मत जताई है, मेरे को शूट करना है, तो मैं जा रही हूँ शूट करने के लिए, और मैं मिलती हूँ आपसे शूट करने के बाद। ठंड में जिंदगी इतनी झंड जाती है, इतनी हिम्मत जुगाड़ करनी पड़ती है ना मेरे को। एक वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बता नहीं सकती, लिटरली मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। आज तो मैंने वीडियो बना लिया, और ये कैमरा किधर जा रहा है? हाँ, सो वीडियो बना लिया, सब कुछ हो गया डन, अब जरा जो मेकअप निकाल लूँ मैं फटाफट। मन तो था और भी वीडियो शूट करने का, बट ट्रस्ट मी जब तक ये ठंड खत्म नहीं होती नहीं हो पाएगा मेरे से। आई नो कल मेरा एक डेडलाइन है, कल एक वीडियो मुझे सबमिट करनी है, बट मैंने उसको शूट भी नहीं किया अभी तक। गॉड पता नहीं क्या होगा, बट ऐसे लगता है चेहरा जम गया मेरा। मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना था, मेरा चेहरा से लाल हो गया लिटरली ठंड की वजह से। मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, कौन कौन जो है मेरा व्यू वीडियोस देखते हो, जो आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, आप मेरी कष्ट, मेरा कष्ट एकदम एग्जैक्टली समझ सकते हो कि क्या हालत हो रही है मेरी। बिकॉज मुझे मुझे जो है हेमोग्लोबिन की कमी है, मेरे को ज़्यादा ठंड लगती है शुरू से ही, मेरे को ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं हिल स्टेशन ना घूमने नहीं जाती, बिकॉज मेरे से ना वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। और कोई तो मुझे कह दे कि विंटर्स में चले जाओ तो भैया नामुमकिन है बिल्कुल। जितना भी इस रूम को साफ कर लो, ये ऐसे भूकंप भी आए रहते हैं यहाँ पे, हमेशा कचड़ा ही हुआ रहता है, बट लेटर हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे आज, और थोड़ा सा नायसिनामाइड लगाएंगे। ये डर्मा को का है, इस मुझे बहुत पसंद है, नायसिनामाइड फ्रेग्रेंस फ्री वाला। मेरा कोड है उनके साथ, यू कैन
ट्राई इट। क्या घोष 20 था लास्ट ईयर, तो देखते हैं, ट्राई करके देख सकते हो घोष 20, शायद होगा अभी भी, बट लुक सो गुड। दिन के टाइम में तो मैं मामाअर्थ का डे क्रीम लगाती हूँ, बहुत अमेजिंग है, स्किन ग्लास के से चमकने लगती है। बाय द वे गाइस, कचरा छोड़ो, ये देखो मेरे नाइकी के जूते, मैंने फर्स्ट टाइम लिए हैं। अभी जो नेक्स्ट मिंत्रा हॉल आएगा ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सेक्सी है, बहुत ही बढ़िया है। और एक हील्स भी है, इसके भी बारे में डिटेल्स मैं दे दूंगी। अभी तो है देखो शूट के बाद की हालत क्या हो रखी है, ज़रा देख लो, ये सारा उठाना पड़ेगा, सब गिर गया है। ये सारे ब्रशेज मुझे धोने भी है, कल तो मुझे इनको वॉश करना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। आज तो भैया मेरे पीट्स का सेकंड डे चल रहा है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, बट कल तो आई हैव टू वॉश देम नो मैटर व्हाट। वेरी डर्टी, तो जी अब तो मैं कपड़े बदल के जाऊंगी सोने, पर दो तीन लाइफ अपडेट्स है। उससे पहले बता दूं कि अभी घर चेंज तो करना है, एंड आज हम बुकिंग अमाउंट भी दिया है। अरे 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 क्या, आज हम बुकिंग अमाउंट भी दिया है उनको, यहाँ से 7,000 रुपये रेंट ज़्यादा है, पर ठीक है कोई ना, मैनेज करेंगे। कपड़े चेंज करने हैं, सोने जा रही हूँ। उससे पहले एक अपडेट दे दूँ आपको, सैटरडे को मेरे घर में कोई आ रहा है, मेरा फैमिली मेम्बर, मेरे मम्मी पापा नहीं, मेरी बहन नहीं, कौन आ रहा है आप लोग गेस करो, राज की फैमिली मेम्बर है, और आई एम सो एक्साइटेड, बड़ा मज़ा आएगा। मुझसे 8-9 महीने हो गए मिले हुए, और अब मिलूंगी, तो फीलिंग वेरी गुड। वाशु को फर्स्ट टाइम देखेगा मेरा, कमेंट करके बताओ कौन है, और आई एम सो एक्साइटेड, उसको हम पिक भी करने जाएंगे। सो अब जो है यहाँ से इसके बाद वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ शॉपिंग फॉर अ न्यू हाउस, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू डू। बहुत सारी चीज़ें नए हाउस से रिलेटेड होंगी, बहुत सारे ब्लॉग्स न्यू हाउस से रिलेटेड होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, डिडंट टेक केयर, बाय, आल्सो लव, हग देम, कीप स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सब्सक्राइब टू निधि कटियार्स चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।